मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। थैंक यू, ईद हैप्पी ईद। थैंक यू सो मच, आप सभी को भी ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। आप दो खूबसूरत लड़के एक साथ नजर आ रही है, क्या रीजन है? रीजन कुछ नहीं है, बस ईद है और ईद ये सब ओकेजन ऐसे इसीलिए होते हैं कि हम अपने दोस्तों से अपने परिवार वालों से मिले, तो बस वही खुशी का एक मौका है कि गुंजन मेरे घर आए हैं। ईद मुबारक मनोज जी, आप कुछ कहेंगे आज? बस मैं दो खूबसूरत हीरोइनें और दो मेरे बहुत खूबसूरत दोस्त के बीच में हूँ, इन्होंने इतिहास रचा है सिनेमा में, भोजपुरी सिनेमा में, और गुंजन इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस है, इतिहास रच रही है टीवी पर और अभी टेलीविजन में क्या टीआरपी दे रही है, तो यार ये तो बड़ी बात है। आपको दिक्कत नहीं हो रहा बैठने में? बिल्कुल नहीं, मैं खुश हूँ। रानी, ये पहली बार पार्टी नहीं, इसके पहले तो मैंने कभी दिया नहीं है, ये पहली बार ही है कि मैंने सोचा कि क्यों ना अपने दोस्तों को ईद के बहाने घर बुलाया जाए, क्योंकि जब इन सबको पकड़ना बहुत मुश्किल है नॉर्मल टाइम पे, सब गायब रहते हैं, लेकिन ये ईद का एक मौका था जिसमें मैं इन लोगों पर ज़बरदस्ती लोगों को टॉर्चर कर सकती थी कि आना ही है। आइडिया किसका था? ऑफ कोर्स मेरा। बिल्कुल जी, हाँ, मतलब रानी जी को और सभी को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत मज़ा आ रहा है। रानी जी ने इनवाइट किया, इसी बहाने हम लोग मिल पा रहे हैं, वरना शूटिंग रहती है, सभी लोग अपना अपना बिजी रहते हैं। मनोज जी अभी आउटडोर थे, रानी जी अभी दूसरी शूट कर रही थी, मैं सीरियल के शूट में बिजी रहती हूँ, तो इसी बहाने इस तरह के जब त्यौहार होते हैं तो एक मौका मिलता है कि सब मिल पाए, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छी अच्छी सेवैयाँ खिलाई मुझे। और मैं तो 7 तारीख को आने वाला था, आपका मैसेज आया ना, तब लखनऊ में था, मैंने कहा अच्छा है निकल चलो दो। बचपन में तो मैं ईद के बारे में ज्यादा जानता नहीं था, क्योंकि मेरा मेरे गांव में भी जो सुने हुए कुछ स्टोरी आपको दिमाग में, मैंने मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ी थी भैया, ईदगाह, तो उस वक्त मुझे पता था, वो पढ़ा था, ईद के बारे में सुनता था, लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन में गया तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी ज़ेबा, जिसके घर में जाता था, तब मुझे पता चला कितनी बढ़िया शीर खुरमा और ईदी देना पड़ता है, ईदी मिलता भी है, ठीक है, ये सब बड़ा अच्छा लगा, तो तब से मैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो ईद मनाता ही। तो आज ईदी को क्या ईदी में कुछ दिया रानी को, कोई गाड़ी मंगला? ईदी में अपने दोस्त को वो प्यार दे रहा हूँ कि मेरी दोस्त जो है ना आने वाले टाइम में सिनेमा में, तो भोजपुरी सिनेमा की क्वीन रही है, अब हिंदी सिनेमा में क्या बात, थैंक यू, आने वाला है नंबर, जानकारी मिल जाएगी। बैलगाड़ी लेकर आएंगे ईदी देने के लिए? बैलगाड़ी क्या, इतनी महंगी कार हमारी रानी खुद ही लेके चलती है, बैलगाड़ी क्या करेगी? मुझे बस अपने दोस्तों से प्यार चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, और मैं जानती हूँ कि ये प्यार ही है जो आए हैं मेरे घर पर आज, और मुझे बेहद, मैं धन्यवाद करती हूँ, बेहद खुशी हो रही है कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और मुझे दिया। ये मैं बहुत फॉर्मेलिटी कर रही हूँ इन लोगों को, फॉर्मेलिटी नहीं, एक बात तो फैक्ट है। नहीं, मैं, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कैमरा के सामने जो रानी जी का रूप मिल रहा है कि मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए, इसके पीछे हम लोगों को धमकी मिलती है, लिटरली नहीं आए तो देख लेना फिर बताती हूँ, मतलब एनी हाउ अगर आज मेरी शूट भी होती ना तो मैं 12 बजे भी आती, लेकिन आती, मतलब ये इन्होंने धमकी दे रखी थी आने का मन। लेकिन गुंजन जी एक बात है, रानी का नेचर, मतलब ससुरा बड़ा पैसे वाले के कुछ ही दिन बाद में मिला था, उसके बाद से लेके 2019 है जैसे तब थी आज भी वैसे हैं, बिल्कुल, और यही प्यार है कि कोई भी सब खिंचे आते हैं, सब खिंचे आते हैं, राइट। और कौन-कौन से गेस्ट हैं आपके दोस्त? काफी दोस्त आए, वैसे मेरे बहुत कम, बहुत लिमिटेड, बहुत ही खास अच्छे दोस्त बहुत ही कम है, लेकिन मैंने जिन जिन को इन्वाइट किया है अभी लोग आने भी वाले हैं, खेसारी जी आकर गए, और गुंजन है, मनोज जी आए हैं, रितिका करके एक एक्ट्रेस हैं वो भी आई, अभी कुछ देर में अक्षरा को इनवाइट किया था मैंने, लेकिन वो शूट पर है इसलिए नीलिमा जी उनकी मम्मी आने वाली हैं थोड़ी देर में, दिनेश जी आम्रपाली दोनों शो में गए हुए हैं, प्रवेश जी भी बाहर हैं इसलिए वो लोग नहीं आ पाए, अदरवाइज अभी आदित्य ओझा भी आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि
खेसारी अभी, हाँ खेसारी जी आपको। काजल को भी इनवाइट किया था मगर काजल पूना में है, तो हम लोगों ने प्लान किया है कि अब दो तीन दिन के बाद जब लोग आ जाएंगे सब लोग, फिर एक दिन हम लोग ईद मना लेंगे उसी दिन। अंजना भी गई है, अंजना भी बाहर है यहाँ। खेसारी जी ने कुछ कहा ईद के मौके पर आपको? हाँ, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। एक्चुअली खेसारी जी के साथ हमारे फैमिली रिलेशन है, बहुत नज़दीक रहते हैं, तो हमेशा हम लोग अपनी फैमिली फंक्शंस में मैं जाती हूँ, वो आते रहते हैं, तो बच्चों के साथ उनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वो आए तो उन्होंने ज़्यादा समय बच्चों के साथ ही बिताया, मेरे साथ बहुत कम, लेकिन उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी। मम्मी के बारे में सही है? बस सब फैमिली के साथ मना रही हूँ, अच्छा लग रहा है। मम्मी के बारे में क्या? मम्मी तो सब कुछ है। हाँ, मम्मी है तो सब है, मम्मी नहीं होती तो कुछ हो भी नहीं करता। हाँ, मेरी मम्मी ने सबके लिए सेवइयां बनाई हैं, मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। रानी क्या क्या बनाती है? रानी खाती है खाली। लेकिन एक बात है, ऐसा नहीं है कि रानी बना लेती, रानी बनाती हैं, पर अब मम्मी जहाँ बनाती हूँ रानी क्या बनाएंगी। मैं बातें अच्छी बना लेती हूँ। वैसे आजकल खाने पीने को लेके मेरा रुझान थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन आज ईद है तो मैंने इस मौके पर खाया है, आज मैं खाऊंगी, कल से फिर अपनी रूटीन पे आ जाऊंगी जो रूटीन है। अभी कितना केजी हो गई? क्यों बताऊं? यार कितना वेट कम कर लिया, पूरी इंडस्ट्री दंग रह गई, ये क्या हो रहा है? ये सीक्रेट है, जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं रिवील नहीं करूंगी कि मेरा मैंने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पर आकर रुकी हूँ। तो ये एक मुझे लगता है कि लोग नो डाउट सभी पूछते हैं रोज मुझसे कि आप अपना वीडियो पोस्ट करें, आप बताएं कैसे क्या किया, तो एक पूरी जर्नी में रिवील करूंगी, लेकिन मेरा टारगेट पूरा होने के बाद। टाइगर को सिखाते नहीं है क्या? अरे वो ऐसे ही अच्छे लगते हैं एक्चुअली। और मैं बताऊं, मैं जब भी इनके साथ शूटिंग कर रही होती हूँ, ये वजन भी कम कर रहे होते हैं, जब भी इनके साथ शूटिंग कर रही होती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि यार मुझसे ज्यादा डेडिकेशन तो इनके अंदर है पतला होने का। वो क्यों नहीं रहा? क्योंकि गांव हो झोपड़ी हो, इनका जो स्टाफ होता है इनके लिए डाइट फूड बना रहा होता है। क्या बात है? यस। अच्छा, मनोज जी की जो बातें मनोज जी की कहानी सुनते हैं जरा बताएंगे, जब डाइट जब इनसे मूड बनता है चलो डाइट करते हैं एक महीने तक, क्या होता है आपके साथ? फिर तो ये हो गया कि नमक नहीं खाएंगे भाई, तेल नहीं खाएंगे, ठीक है, इतनी हुई चीजें खाएंगे। मैंने देखा है, और जिस दिन दिमाग सटका बहुत खाएंगे, उस दिन सब खाएंगे, उस दिन कम से कम दिन में 5,000 मिठाइयां, ठीक है। नहीं, ये बात सच है। नहीं नहीं, टाइगर जी को मैंने उबली हुई लौकी खाते देखा है, स्प्राउट्स खाते देखा है, मतलब वो हर चीज़ जो मैं भी उतना नहीं खाती हूँ इतनी, बिना ऑयल समथिंग, बिना नमक के। लेकिन एक चीज़ है कि जब ये इनका मूड करता है। लेकिन मैं अभी आपसे इंस्पायर हुआ हूँ। हाँ, करती हूँ। और कॉल करती हूँ क्योंकि आपने अपना जो वेट कम किया है वो नेचुरल तरीके से किया है। हाँ, ये तो मुझे लगता है ये नेचुरल प्रोसेस रहा है, ये सब की जुबान पे यही बात है मेरे लिए, जो रियलिटी है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ आजकल, मैं सीरियसली मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं सोने को मुझे। ये तो भाई ऐसा इनका शेड्यूल है कि ये नींद में सुबह उठती हैं, नहाती हैं और नींद में ही चली जाती हैं शूटिंग पे, और वहाँ से नींद में ही आती हैं। सच बोल रही हैं। इनको अगर कह दिया जाता है कि गुंजन जी कल आपका शूट नहीं है तो इनको लगता है मुझे अवार्ड मिल गया। ये बहुत पसंद, इसको काम करना बहुत पसंद है, एज एन एक्ट्रेस से सोचती काम करती हूँ, लेकिन ये ऐसी है कि 10 दिन काम हो तो 10 दिन फिर पिकनिक पे जाऊँ। नहीं, पिकनिक ना भी करूँ फिर 10 दिन फिर 10 दिन काम करूँ घर पे, तो ऐसा वाला। पर ठीक है, अभी एक अच्छा सीरियल मिला और सीरियल ऐसा मिला जिसमें लीड में है और अच्छी टीआरपी है सीरियल की। हाँ, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है सीरियल, आप तो आए थे सेट पे, आपने देखा हुआ है हाल, तो बहुत ही हाय हुजूर ओए। तो यही ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय गाइस। एक बार आप सब लोगों को ईद फिर से मुबारक। बंद हो गया क्या? थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.